चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत माता चौक पर वक्फ हटाओ भारत बचाओ के जगह जगह क्यूआर कोड के पोस्टर लगे हैं। हिंदू युवा चौक चौराहे पर लोगों से क्यूआर स्कैन करवा रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर राय भेजने का आखिरी दिन। वहीं मुस्लिम युवक ने कहा कि वक्फ बोर्ड से सिर्फ नेताओं को फायदा हो रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में हिंदुओं या मुसलमान सबके अपने अपने अपनी अपनी जगह क्यूआर कोड लगे हुए हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं और आज राय देने की आखिरी तारीख है। राजधानी भोपाल के भारत माता चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर भी आप देखेंगे तो क्यूआर कोड जो जगह जगह हैं वो लगा दिए गए हैं। एक भाई साहब बैठे हुए थे और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस पर ऊपर लिखा हुआ है वक्फ हटाओ भारत बचाओ। एक बार आप देखेंगे क्यूआर कोड, ये मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। वक्फ हटाओ भारत बचाओ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्फ वोट को हटाने के लिए हम स्कैन कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं इस चीज पे। जो वक्फ के खिलाफ अधिनियम आ रहा है, अभी जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है भारत में इतनी जमीन है कि उसमें एक दूसरा पाकिस्तान बस जाए, जितनी पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड पाकिस्तान जितना बसा हुआ है उतनी जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। हम चाहते हैं कि वक्फ का नया अधिनियम आए, न्यू अमेंडमेंट उसका आना चाहिए। जरूरत क्या है इसकी? इसकी जरूरत बहुत है क्योंकि आज आप देखिए कि भारत माता का इतना बड़ा भूखंड का हिस्सा है किसी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब किसी संस्था के पास जा चुका है जहाँ पर कोई मतलब हिसाब नहीं। आप इस चौराहे पे खड़े आप अभी बोल दोगे जब भूमि वक्फ की है, हमको साबित करने में 10 साल लग जाएंगे, हम साबित करेंगे तब तक ये जमीन वक्फ की हो चुकी होगी या बीच में उनके कुछ भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका होगा। युवाओं ने कह दिया है कि जितनी पाकिस्तान के पास जमीन है उतनी वक्फ के पास है, मुसलमानों को ये जमीन काम नहीं आ रही, इसीलिए ये जो संशोधन अधिनियम है उसकी आने की आवश्यकता 100% है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल।